लैशेस अप्लाई करनी है, लैशेस एप्लीकेशन से पहले हमें क्लाइंट की आईज के अकॉर्डिंग लैशेस को मेजर करना होता है, ठीक है, कि कभी लैशेस क्लाइंट की आईज से बड़ी नहीं है या क्लाइंट की आईज से छोटी तो नहीं है। अगर क्लाइंट की आईज से छोटी होती है तो फिर भी चल जाता है, बट अगर आई लैशेस क्लाइंट की आईज लैशेस जो नेचुरल लैशेस है उससे बड़ी होती है तो फिर वो लैशेस थोड़ी देर बाद उतरने भी लग जाती है और क्लाइंट को बहुत ज्यादा इरिटेट भी करती है। तो सबसे पहले हमें लैशेस को मेजर करना होता है। हल्की सी लैशेस बड़ी है तो जब भी लैशेस को कट करना है तो हमेशा लैशेस को हम कट करेंगे तो बैक साइड से कट करेंगे, कभी भी फ्रंट से नहीं करना है, क्योंकि मोस्टली जितने भी मिंक लैशेस आते हैं उनका फ्रंट छोटा होता है और पीछे से बड़ी होती है, जैसे हमारी ओरिजिनल लैशेस होती हैं। तो जब भी लैशेस को कट करोगे पीछे से करोगे, अगर आगे से करोगे तो उसका नेचुरल जो आगे से छोटा लुक है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको पीछे से कट करेंगे। सेम दोनों लैशेस को हम कट कर लेंगे। के लिए मैं लैश ग्लू यूज कर रहा हूँ, ये लैश ग्लू है पैक की पीएसी की, इससे बेस्ट लैश ग्लू मैंने आज तक नहीं देखी है, बिकॉज इससे कि आप डायरेक्ट इसे आई लैशेस आईज पे अप्लाई कर सकते हो एज अ लाइनर, उसके ऊपर लैशेस चिपका दो, अदरवाइज आप इसे यूज कर सकते हो लैशेस के ऊपर लगा के और देन अपनी आई लैशेस जो कि वो फिक्स कर दो, ठीक है। मतलब ये क्या विद इन लाइक 2-3 मिनट भी नहीं लगते, मतलब विद इन, मतलब मैंने देखा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 1 मिनट लैशेस को ऐसे छोड़ दो उसके बाद लगाओ, इस पे अप्लाई करने के बाद डायरेक्ट आप आई लैशेस को चिपका सकते हो, इससे क्या होगा आपकी ना तो लैशेस एकदम से उतरती हैं या बहुत ज्यादा वेटी लुक देती हैं, तो लगाने के बाद सीधा आप इसे चिपका सकते हो, ठीक है। सो बेटर आप इसको पहले आई लैशेस पे लगाओ उसके बाद आप इसे आईज पे अप्लाई करो। सबसे बेस्ट लैश ग्लू है पीएसी की, बहुत ज्यादा थिक क्वांटिटी नहीं लगानी है, बहुत थिन क्वांटिटी में हमें इसे यूज करना है, उसके बाद साथ के साथ हम इसे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। कर रहे हैं बैक कॉर्नर से स्टार्ट करोगे और देन उसके बाद आप फ्रंट कॉर्नर से अप्लाई करोगे, ठीक है। देखो कितना इजीली लगती है, ठीक है। अब चाहे क्लाइंट की आप आईज ओपन कीजिए, मैम साथ के साथ आप ओपन भी करवा सकते हो, इसमें ऐसा नहीं है कि पहले हमें क्लाइंट की आईज को 2 मिनट बंद करवा के रखना है उसके बाद लैशेज के बाद हमें आईज ओपन करनी है, साथ ही साथ आप क्लाइंट की आईज भी ओपन करवा सकते हो। देखिए अब दोनों आईज में आपको डिफरेंस दिख रहा है, कौन सी आईज ज्यादा अच्छी लग रही है। इधर वाली जब भी आप आई लैशेज लगानी है तो आप बैक साइड से लगा सकते हो खड़े होके, थोड़ा कंफर्टेबल रहता है। देखो कितना इजीली लग रही है, तो इसीलिए मुझे जो पीएसी की लैश ग्लू है सबसे बेस्ट। सो गाइस यू कैन सी अभी हमारी ब्राइड की आईज रेडी हो चुकी है, सो अब तक आप लोगों को समझ आया, और देखिए कितने स्मार्ट आईज लग रही है। लुक आईज ओपन करके दिखाइए, क्लोज योर आईज, आया सबको समझ। अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा फेस मेकअप, क्लियर। फुल ओपन पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए हम पीएसी का पोर प्राइमर यूज कर रहे हैं। किस लिए यूज कर रहे हैं पीएसी का पोर प्राइमर? जो भी इनके ओपन पोर्स है उनको मिनिमाइज करने के लिए, क्लियर। तो अभी हम इस पीएसी का जो पोर प्राइमर इसको अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम उसको फिंगर से ब्लेंड करेंगे ताकि ये प्राइमर जो है अच्छे से पोर्स के अंदर फिल होके उनको मिनिमाइज कर सकता है। ये जो पोर प्राइमर आप सेल्फ में भी यूज कर सकते हो, प्रोफेशनली भी यूज कर सकते हो, बिकॉज इसकी रेंज बहुत ज्यादा नहीं है, अफोर्डेबल रेंज में है, सो यू कैन यूज दिस। और अच्छे से इसको हम पोर्स के अंदर फिल करेंगे, क्लियर। इनकी स्किन ऑयली है, पोर्स भी है, तो पीएसी का पोर प्राइमर बेस्ट रहेगा, तो ऑयली स्किन एंड पोर्स होती है इसके लिए। अच्छे से इसको फिल करना है, ऐसा नहीं कि जस्ट इसको ऐसे करके छोड़ दिया तो ये पोर्स के अंदर फिल नहीं होगा, क्लियर। देखो अभी इनकी स्किन बहुत स्मूथ हो चुकी है, जैसे ही हम बेस या फाउंडेशन की एप्लीकेशन करेंगे तो बहुत इजीली ब्लेंड हो जाएगी।